अपन दिल्ली के कुछ टारगेट्स ऐसा करेंगे। 45 मिनट्स लेट हूं भाई, 925 टेंगे की बिक जाऊंगा मैं। फिर जीरो से शुरू हुआ, फिर इसने चैनल बनाए और आज इस बंदे के दोस्तों 2000 सब्सक्राइबर है। हाँ तो दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। एंड भाई अभी हो रहे हैं हमारे 8:46 एंड आंखों में नींद लेकर के अभी जा रहे हैं हम क्लास लेने के लिए। एंड क्लास है हमारी आज गायनेकोलॉजी की, जो कि लगेगी सायरान लेक के सामने। एज यूजुअल हम लोग ट्राई कर रहे थे कि भाई क्लास ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि टीचर क्या है कि बिजी रहते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में, तो अगर ऑपरेशंस वगैरह नहीं होते नॉर्मली तो भाई वो हमको टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर ऑपरेशंस वगैरह होते हैं तो भाई वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 3-4 दिन से क्लास हम लोग ऑनलाइन करवा रहे थे, बट मैम आज रिप्लाई नहीं दे रही। मतलब मैम का आज मूड है भाई कि भाई क्लास में आना है हम लोगों को, तो भाई अभी निकलते हैं क्लास के लिए। सर्दी हो रही है, टेम्परेचर है अराउंड -3 के आसपास, अभी -6 डिग्री के आसपास अभी टेम्परेचर है। एंड सुबह के अभी 8:46 मौसम की ये अपडेट है दोस्तों, सूरज निकल रहा है, मौसम क्लीन है सब कुछ, बट हाथों में सर्दी जैसी लग रही है तेज वाली। तो अभी चलते हैं फटाफट अपने बस स्टॉप अपडेट की। अब से अपन दिल्ली के कुछ टारगेट्स ऐसा करेंगे अपने वीडियोस में लिए। एंड मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए मिनी व्लॉग एंड 2-3 दिन में एक लंबा वाला वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो मिनी व्लॉग में तो क्या है कि दिल्ली की लाइफ को आपको 1 मिनट में शो करना होता है। एंड भाई मेरे को वो लगता है वो काम मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। एंड अगर आपके कोई और सजेशंस हो कि अपने को इन टॉपिक्स को भी कवर करना चाहिए, ये सारे वीडियोस भी बनाना चाहिए, तो आप ही बोले, क्योंकि जनता ही जनार्दन है हमारे लिए, है ना। बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, देख के जाते हो वीडियो तो सब्सक्राइब बटन दबा दिया करो, क्या जाएगा, फ्री है, कोई कोर्स तो है नहीं मेरा कि कोई चार्ज लगता है, बट भाई को मोटिवेशन मिलता है। यूट्यूब की एल्गोरिदम चैनल को आगे पुश करती है एंड इससे हमको ये फायदा है। मेरे को एक और चीज़ में बड़ा ताज्जुब होता है कि मैं 2020 से YouTube पे एक्टिव हूँ, 2020 से मैं कंटिन्यूसली वीडियोस व्लॉग्स डाल रहा हूँ। व्लॉग शायद मैंने यहाँ पर आकर के शुरू किया, अल्माटी में जब मैं यहाँ पे आया तभी मैंने शुरू किए, अदरवाइज वीडियोस मैं 2020 से डाल रहा हूँ, कोविड के टाइम से। पता नहीं क्या एल्गोरिदम रहा है मेरे यूट्यूब का, मेरे वीडियोज आगे जाते ही नहीं हैं। सो दोस्तों अब टाइम है भाई को सपोर्ट करने का। एंड दिमाग में एक टारगेट है कि इस साल के एंड तक अपने को उस टारगेट, उस सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। कोशिश करेंगे, रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, तो आपका भी भाई दायित्व है, आपका भी फ़र्ज़ है कि यार मेरे को सपोर्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं एंड अपने 2000 सब्सक्राइबर्स ही। दोस्तों उतर तो गए बस स्टॉप पे, बट मैं 45 मिनट्स लेट हूँ भाई, पता नहीं क्या रहने वाला है सीन, लेकिन लेट हो गए भाई बुरे वाले। एंड बोल तो दिया था मैं, हम सोच रहे थे कि भाई क्लास में भी ऑनलाइन हो जाए, बट क्लास ऑनलाइन नहीं हुई, सो भाई लेट ही निकले। खैर कोई नहीं, सामने हॉस्पिटल है, चलते हैं। तो भाई ये है गायनो का हॉस्पिटल, जहाँ तक मेरे को लगता है यही है, चलते हैं इसके अंदर। ये है हमारी गायनो की क्लास, ऐसा कुछ है पीछे। क्लास इज ओवर एंड टेस्ट होता है हमारा। तो मैम भाई नहीं, मैम बिजी थी बड़ी कहीं पे, उनका ये हॉस्पिटल है गायनेकोलॉजी का, यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं जो होते हैं, कपल आते हैं भाई कंसल्टेशन वगैरह के लिए, तो मैम बिजी रहती। तो हम लोगों ने कहा कि टेस्ट कर लिया है, मैम को भी उनके रूम में जाकर भी सबमिट करवा देते हैं, फिर घर की तरफ निकलेंगे। दोस्तों क्लास से बाहर आ गए हैं अभी लोग हम लोग। एंड यहाँ पर जहाँ पर मेरी क्लास लगती है सायरन पे, इसी के सामने एक मार्केट है। हमारे सीनियर ने बताया कि भाई एक तो हो गया अपना ग्रीन बाज़ार, एक हो गया अल्टीनोइडा, एक हो गया ये वाला बाज़ार, तेस्ती करके कुछ नाम है, अभी जाकर के मैं बताता हूँ आपको, तेस्ताक करके है। तो वहाँ पर सब्जियाँ वगैरह सुनने में आएगी थोड़ी सस्ती मिलती है, तो भाई देख लेते हैं चल करके भाई क्या सीन है, तो चलते हैं। एंड मेरे साथ आज हमारे रजनीश जी भी है, तो रजनीश जी बता दो क्या क्या किया आज। भाई आज क्लास में हम थोड़ा लेट आए थे, तो हम भी लेट नहीं आए थे, हमारी मैम भी लेट थी भाई। हाँ बिल्कुल, तो क्लास ज़्यादा देर की लगी नहीं थी, 1.5 घंटे क्लास थी। हाँ। उनको कंप्लीट किया बिल्कुल, कुछ पढ़ाया और अब क्लास जल्दी आओ, जल्दी आओ। सिग्नल हो गया था अबे साले, तो आई थिंक ये वाला है मार्केट भाई। विजय भाई ने बताया एक मार्केट है, काफ़ी मतलब की सस्ती सब्जियाँ वगैरह मिलती है, ठीक है भाई देखते हैं, चल के चल लेते हैं भाई। अभी पूछे तो भाई इन्होंने बताया कि आज मार्केट बंद है, तो सामने भाई मैगनम है, तो मैगनम में चल लेते हैं। ये है मैगनम सुपर,
चलते हैं फटाफट अंदर। टमाटर की हालत तो देख तो एक बार दोस्तों, टमाटर काफी खराब हो रखे हैं, तो यहाँ से तो मन खराब हो गया है। विजय भाई आगे चलेंगे भाई। विजय भाई नेक्स्ट मूव करते हैं भाई इनकी तरफ। ये संतरा काफी सस्ती दिख रही है मेरे को यार। संतरा 925 टेंगे की बिक जाऊंगा भाई। 900 जो अपने 20 रुपए किलो मिलती है संतरा, वो आप देख सकते हो कितनी महंगी है भाई। एप्पल पत्ता गोभी ठीक मिल रही है, पत्ता गोभी ले लेते हैं। हाँ भाई पत्ता गोभी थोड़ी सस्ती है तो ठीक है भाई। और यार ये कौन सी सब्जी है विजय भाई? ये है ये केबेज है, दूसरी वाली पर्पल केबेज बोलते हैं। पर्पल केबेज है भाई, महंगी आती पता नहीं क्यों। 779 टेंगे की भाई। तो भाई विजय भाई को आज मैं करवा रहा हूँ शॉपिंग। ऐसे काफी कंजूस बंदा है दोस्तों, ये शॉपिंग कभी कभी करता है, लेकिन जब भी करता है ना एक साथ करता है मन भर के भाई। ये है लहसुन। और विजय भाई कितने टेंगे का है ये? ये है 235। ना ये 1750 टेंगे वाला है भाई। ये 1750 का है भाई। आई एन आर में आप देख सकते हो 350-400 रुपए का हो रहा है भाई। 22 को रखने में भला ही है। और फ्रेंड्स ये है जो खेत होता है ना उससे जो फ्रेश कैरेट्स लाई होती है, इनको भी भाई इंडिया की गाजर में और यहाँ की गाजर में अंतर है। इंडिया की गाजर बिल्कुल लाल आती है, यहाँ पे थोड़ी है नारंगी कलर की लाल आती है। एंड एक और फैक्ट बता देता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी जमीनी सब्जियाँ हैं जैसे गाजर हो गई, अपने ऑनियंस हो गए, पोटेटोज वगैरह हो गए, ये एज कम्पेयर टू अदर वेजिटेबल्स काफी चीप होते हैं भाई। विजय भाई का एक चैनल था पहले विजय मावर के नाम से करके, तो वो चैनल इनका दोस्तों जैसे ही अलमाटी में है, अलमाटी में आते इनका चैनल ब्लॉक हो गया था भाई, और उस पर 1200 कुछ सब्सक्राइबर थे। आप अभी भी जा करके आप देख सकते हो भाई। भाई सही बता रहा हूँ, जब बंदा जीरो से चालू होता है और जब उसके सब्सक्राइब उसका चैनल उससे कोई छीन लेता है, कोई भी हैकर वगैरह आईडी पासवर्ड चेंज कर देता है, तो भाई बहुत दुख होता है यार इस बंदे की, मैं समझ सकता हूँ फीलिंग। ये बंदा फिर जीरो से शुरू हुआ, फिर इसने चैनल बनाए और आज इस बंदे के दोस्तों 2000 सब्सक्राइबर है। उसके लिए इसको बहुत बहुत बधाई भाई, इसकी मेहनत भाई। अगर वो चैनल होता अभी अपना वही चैनल होता ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ अपन आज थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर थे, क्योंकि ऑलरेडी उस पर ऑडियंस थी ऑलरेडी उस पर 700-800 व्यूज आते थे हर वीडियो पे, तो भाई मैं भी शायद अपन अलग मुकाम पे थे। लेकिन कोई नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऊपर वाला कुछ अलग सिखाने की कोशिश करता है अपने को। बिल्कुल कोई नहीं, फिर से मूव ऑन करेंगे भाई। विजय भाई की बातें सुने, अंदर गहरा दर्द था भाई, बंदा दिखा नहीं रहा लेकिन अंदर गहरा दर्द छुपा हुआ है। भाई अगर कोई वाइन वगैरह का शौकीन है तो भाई यहाँ पर आए एंड इसको ले जाए, बड़ी सस्ती है, मतलब 300-400 रुपए में आपको बेस्ट से बेस्ट वाइन देखने को मिलेगी। हम लोग पीते नहीं है बट हम लोगों को पता है, तो काफ़ी सस्ती है भाई। ये पूरे लिक्वर का सेक्शन है, ये काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे क्या शौकीन हैं इन सब चीज़ों के, तो बड़ी सस्ती है। दोस्तों ले लिए सामान मैग्नम से, अब भाई निकलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों बैग का वजन है अराउंड 12-13 किलो के आसपास, उससे ज़्यादा ही है, मेरे पूरे कंधे दुख गए। 1.5 किलोमीटर ये बाहर को लेकर के चलना पड़ता है भाई साहब। तो ये लाइफ है। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग, एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए ताकि अच्छा लगता है। एंड वीडियो में क्या अच्छा लगा, कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, सब चीज़ें बताया करो। मेहनत चल रही है दबा करके, एंड एक दिन ज़रूर अपन यूट्यूब पर कामयाब होंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।